स्टूडेंट्स, बेटा आज हम यूज़ ऑफ इन और अंडर जो है उसका बुक रीड प्लस उसका बुक वर्क करेंगे। तो देखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट लाइंस विद इन समथिंग इट इज़ सेड टू बी इन इट। ठीक है, अ गर्ल इज़ इन द कार, अ बॉय इज़ इन द पूल, अ कैट इज़ इन द ट्यूब। तो यहाँ पे आपको इनका यूज़ बताया हुआ है। When an object lies on surface of something, it is said to be on it. Okay, जो ऊपर की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम on का यूज़ करते हैं। A cup is on the table, a dog is on the mat, a baby is on the bed. Next देखिए, When any object lies below something, it is said to be under it. A boy is under the tree, a dog is under the cot, the water is under a ब्रीज। ओके, तो अब इसका बुक वर्क है वो हम लोग करते हैं। देखिए, वेयर इज़ यूज टू अस द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। वेयर इज़ द कैट, द कैट इज़ इन द बास्केट। पोजिशन देखिए आप, ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वही हमें यहाँ लिखना है। तो कैट की पोजिशन कहाँ पर है? इन द बास्केट। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द मंकी? तो द मंकी इज़ ऑन द ट्री। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर शूज? शूज कहाँ है? द शूज आर अंडर द बेड। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज मैं आपको फिर बताती हूँ, जो पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की होती है उसके लिए हम इन, ऑन, अंडर का यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक बार वो देखें, द कैट इज़ इन द बास्केट, द मंकी इज़ ऑन द ट्री, द शूज आर अंडर द बेड। ओके, ये वर्क जो है आपको पेज नंबर 80 अपने बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।